कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका बायो पॉइंट की फिर से आज की इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन की, प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स की एंड प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट की, और कहां पे होता है प्रोटीन का डाइजेशन और कैसा होता है पीएच का रेंज ड्यूरिंग द प्रोटीन डाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने आपने जाना था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट एंड कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स के एंड एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं बायो पॉइंट पे, ये जो सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो आज उसी क्विक रिवीजन के अगले कड़ी में हम जानेंगे प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट कर। प्रोटीन के डाइजेशन के कॉन्सेप्ट मैप को स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बिल्डिंग का काम करता है, और बिल्डिंग का काम करता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो हमारे बॉडी में आ रही है उसको सिंपल वंस में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करने की ही प्रोसेस को आज हम एक कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा समझने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग अगर प्रोटीन डाइजेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप को यहां पे देखें, तो जो ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले कहां कहां से प्रोटीन होकर के जाएगा, क्या रास्ता तय करेगा, तो सबसे पहले प्रोटीन आएगा माउथ, अपर लिप एंड लोअर लिप के द्वारा घिरा हुआ है, जिसकी एक कैविटी है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी से होता हुआ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि डुओडेनम देख रहे हैं हम लोग, जेजनम देख रहे हैं, इलियम देख रहे हैं, एंड देन इंटेस्टाइन एंड विली के द्वारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब होगा वो कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा डिफिकेशन के लिए। एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को अगर प्रोटीन डाइजेशन से रिलेट करें, तो सबसे पहला जो बकल कैविटी है वहां पे प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे पीएच रेंज होती है कितनी, 6.8, एंड वहां पे कोई एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड सिक्रेट नहीं होता है, तो बकल कैविटी में नो डाइजेशन, प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं। ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं, तो प्रोटीन क्या होगा, बकल कैविटी से ओइसोफेगस, एंड ओइसोफेगस से आएगा जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं स्टमक, स्टमक में आएगा, और स्टमक में आने के बाद कहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कहां पे होता है मेनली प्रोटीन का डाइजेशन, तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि स्टमक में है तीन सेल जिसका नाम है पेराइटल सेल, पेक्टिक सेल एंड म्यूकस सेल। कहां पे ये सेल प्रेजेंट है अगर हम लोग जाने, तो स्टमक की जो ग्लैंड है, इट मींस स्टमक भी एक गैस्ट्रिक ग्लैंड के जैसा फंक्शन करता है, तो वहां पे ये तीनों सेल्स प्रेजेंट हैं। एंड इसमें बात करें पेराइटल सेल की, तो वो सिक्रेट करता है HCl को, पेक्टिक सेल की बात करें तो वो सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन को, एंड म्यूकस की बात करें तो वो म्यूकस सिक्रेट करता है जिसके द्वारा स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ HCl। HCl चूंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो म्यूकस आप जान लीजिए वो क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहां पे HCl जब सिक्रीट होगा स्टमक के अंदर तो पीएच रेंज बढ़ जाएगी कितना, 1.2 के आसपास हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि जब बकल कैविटी से प्रोटीन चला तो पीएच कितना था, 6.8 के आसपास था। जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में पहुंचते ही यहां पे पीएच रेंज हो गया 1.2। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये HCl, इसके नाते ऐसा हो पाया, और इसके नाते आप समझिए यहां पे जो पेक्टिक सेल्स हैं, कौन सी सेल, पेक्टिक सेल जो सिक्रीट कर रही है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन को, ये इनएक्टिव होते हैं जब तक कि HCl नहीं सिक्रीट होता। जैसे ही HCl सिक्रीट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिनोजेन, एंड प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाते हैं रेनिन में। तो ये
अप एक्टिव हो जाता है ड्यू टू द HCl। तो आप ये भी जान लें HCl का फंक्शन क्या है, एक्टिवेट करना पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन को। यहां पे HCl जो है जो बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं अलोंग विथ फूड इंटर कर जाएगा, स्टमक तक आ जाएगा, उसको भी किल करने का काम करते हैं फूड से। यहां पे हम लोग बात करें डाइजेशन की अगर, तो यहां पे स्टमक में ही आपको मेनली समझ लेना है pH 1.2 हो गया, पेप्सिन एक्टिवेट हो गया, रेनिन एक्टिवेट हो गया, म्यूकस सिक्रेट होने लगा HCl से आपके स्टमक को बचाने लगा। और यहां स्टमक के अंदर जो बकल कैविटी से चल करके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन आया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पे वर्क करेगा कौन, पेप्सिन, एंड इस मिल्क प्रोटीन पे वर्क करेगा कौन, रेनिन। और किसमें कन्वर्ट कर देंगे उसको, प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड पेप्टोन्स कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये अभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये हमको जान लेना चाहिए कि स्टमक के अंदर अभी ये क्या हुए हैं, कुछ सिंपल हुए हैं, अभी पूरी तरीके से सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म है वो कौन सा है, अमीनो एसिड है। तो यहां पे आप जान लीजिए कि स्टमक के अंदर चूंकि पीएच की रेंज क्या हो गई, बढ़ गई, एसिडिक हो गई, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स कैल्शियम पैराकैसिनेट में। अब यहां पर हम लोग देखें तो इसके बाद ये जो दोनों प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स कैल्शियम पैराकैसिनेट आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो कि है डुओडेनम। इट मींस स्टमक का जो जे शेप स्ट्रक्चर है वो पाइलोरिक पार्ट सबसे लास्ट होता है, वो ओपन होगा कहां पे, डुओडेनम में। डुओडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं डुओडेनम, जेजनम एंड इलियम। यहां पे आप देखें तो दो ग्लैंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ग्लैंड है लीवर एंड दूसरी ग्लैंड है पैनक्रियाज। लीवर का फंक्शन समझें तो लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। आप ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे पूछता है कि गाल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, सिक्रीट कौन करता है, तो यहां पे लीवर। बहुत इंटरनली अगर आपसे पूछेगा तो यहां पे लीवर में हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, वहां पे हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन करती हैं, और वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में और आता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। चूंकि यहां पे आप समझिए क्या स्टमक के अंदर पीएच रेंज कितना हो चुका है, 1.2 एसिडिक हो चुका है फूड, एंड एसिडिक हो चुका है तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को वो डैमेज कर दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो करेगा कौन, यहां पे बाइल साल्ट करता है। ये जान लीजिए बाइल साल्ट क्या करेगा, अब यहां पे देखिए एल्केलाइन पीएच लगभग 8.5 तक बढ़ा देगा, और जब 8.5 तक पीएच की रेंज बढ़ जाएगी तो फूड पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एसिडिक से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा फूड कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वही प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स कैल्शियम पैराकैसिनेट। यहां पे एक बात और जानिए, लीवर जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है अगर आपसे पूछा जाए तो, लीवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और यहां पे सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारे बॉडी की है वो पैनक्रियाज। अब वो एक्शन में आता है और वो सिक्रीट करता है ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। अच्छा, और भी एंजाइम्स है लेकिन हम लोग प्रोटीन डाइजेशन को समझ रहे हैं, तो यहां पे प्रोटीन डाइजेशन से ही एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट वाले बात मैं कर रहा हूं। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन, एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन जैसे ही एल्केलाइन मीडियम में फूड को पाएगा, बेसिक मीडियम में फूड को पाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू द बेसिक नेचर एंड बाइल साल्ट के नाते एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिप्सिन में एंड काइमोट्रिप्सिन में। अब यहां पे आपको समझना है, देखिए पीएच कितना हो गया, 8.5 के आसपास हो गया, एंड जो ये प्रो इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में। सब क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये भी एक जान लीजिए कॉमन नेम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स उनको हम लोग प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। तो यहां पे जो सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स
प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन कन्वर्ट हुआ था प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स कैल्शियम पैराकैल्शिनेट में, अब वो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के नाते कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड्स एंड डाई पेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट होगा? पेप्टाइड एंड डाई पेप्टाइड्स में। ये भी सिंपल फॉर्म नहीं है, अभी इसको और सिंपल वंस में ब्रेक करना है, तब जा करके हमारे बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइनल विली के द्वारा। तो यहाँ पे फिर अगला पार्ट इन्वॉल्व होता है, आप समझ गए इसको। तो यहाँ पे अगला पार्ट इन्वॉल्व होता है जेजनम एंड इलियम। जेजनम एंड इलियम में यहाँ पे एक एंजाइम और आप समझ लीजिए इंटरोकाइनेज, कौन सा इंटरोकाइनेज जो है वो आता है एक्शन में और क्या करता है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट होने लगेगा, सिक्रीट होने लगेगा पेप्टाइडेज। एंड पेप्टाइडेज क्या करेगा, अब यहां पे देखिए जो पेप्टाइड्स और डाई पेप्टाइड्स यहां डुओडेनम में कन्वर्ट हुए थे अब उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड में। ये आपको रखना है ध्यान, यहां पे किसने, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया, पेप्टाइडेज। अच्छा और भी एंजाइम है, इसको शकस इंट्रिकस भी कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को। तो यहां पे हम केवल प्रोटीन्स के डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनको हम समझा रहे हैं। तो पेप्टाइडेज एंजाइम, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, तो पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा, पेप्टाइड्स एंड डाई पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड में, जो कि एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस तरीके से बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, जेजनम एंड इलियम में होते हुए किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, तो पेप्सिन इन्वॉल्व हुआ, रेनिन इन्वॉल्व हुआ, एंड ट्रिप्सिन इन्वॉल्व हुआ, काइमोट्रिप्सिन इन्वॉल्व हुआ, एंड पेप्टाइडेज यहां पे जो है क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ। पीएच रेंज की बात करें तो स्टमक में पीएच रहा 1.2 एंड यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्जन हुआ तो पीएच बढ़ा 8.5 के आसपास तक। एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने सिक्रीट किया एंजाइम पेप्टाइडेज, जिसके नाते पेप्टाइड्स एंड डाई पेप्टाइड्स कन्वर्ट हुए अमीनो एसिड में, जो है एंड प्रोडक्ट किसका, प्रोटीन का। तो ये ओवरऑल यहां पे हम लोगों ने प्रोटीन के डाइजेशन को देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से समझिएगा। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछिएगा, हम या हमारी टीम पूरी तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करेगी। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं, बायो पॉइंट लगातार आपके साथ बना हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे फैट के डाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट मैप और समझेंगे कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है फैट का। तो बायो पॉइंट के साथ आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।